हेलो गाइस, तो आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आप पी सी एस एक्स 32 बिट वाला वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने विंडोज में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना होगा, और हाँ, उससे पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो पी सी एस एक्स 2 मैंने पिछली बार बताया था वो था 64 बिट, वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलेगा। और दूसरी बात ये कि वो था बीटा वर्जन, और ये रहेगा 32 बिट वाला स्टेबल वर्जन, तो ये आप 64 बिट में भी चला सकते हैं। क्या बात? ओके, सॉरी, मेरा नेट कनेक्ट नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वेट अ सेकंड। नहीं। तो हम आ गए PCSX2 वाली साइट पे, PCSX2.net, और ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 32 बिट के लिए। एक है पोर्टेबल, एक है इंस्टॉलर। इंस्टॉलर में आपको एक पूरा इंस्टॉलर दिया जाएगा, पोर्टेबल में आपको एक ज़िप फाइल दी जाएगी पिछली बार की तरह, जो कि एक्सट्रैक्ट होने वाली है, पर मैं अभी के लिए इंस्टॉल करने वाला हूँ डाउनलोड। तो ये रहा गाइस हमारा इंस्टॉलर, और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दैट्स इट। अब मैं इसको ओपन कर लूंगा यहीं से, ठीक है, और मैं अभी के लिए नॉर्मल इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। PCSX2 डेस्कटॉप, और ये क्या, मैं इसको इधर नहीं रखूँगा, अपने हिसाब से इसको ब्राउज़ कर लें कि कहाँ आपको इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी रखनी है। ओके, अब फिनिश करते ही अपने आप रन हो जाएगा। अब ये तो सिस्टम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मतलब लैंग्वेज सेटिंग, ठीक है। इसके बाद इसमें इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला है GS वाला। GS वाले में आपको मिलेगा जो हमारी ग्राफिक सेटिंग होती है, वो जैसे कि रेंडरिंग। इसमें ऑब्वियसली हार्डवेयर ही रखना है, ठीक है। डायरेक्ट एक्स 11 हार्डवेयर आ रहा है तो मैं 11 करूँगा, किसी के में 10 आता है तो वो 10 करेगा, जो भी आता है, ठीक है। उसके बाद अडेप्टर में आपके पास आएगा ग्राफिक कार्ड, जो भी आपका ग्राफिक कार्ड होगा, एनवीडिया, अगर किसी में सिर्फ इंटेल है तो इंटेल पे चलाएगा। फिर आता है इंटरलेस सेटिंग, इसको ऑटोमेटिकली छोड़ दे। और टेक्सचर फिल्टरिंग मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि ये होता है, वैसे तो इसको एज इट इज़ छोड़ दे। टेक्सचर फिल्टरिंग था, ठीक है, एक इंटरनल रेजोल्यूशन था, एक एनास्ट्रोफिक फिल्टरिंग था, इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ना है, ठीक है। इंटरनल रेजोल्यूशन है, इसको बढ़ाया जा सकता है जो भी आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसके बेस पे। लाइक अगर आपके पास एक हैवी ग्राफिक कार्ड है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको 3K में कर देता हूँ। और एनास्ट्रोफिक फिल्टरिंग भी हमारा ग्राफिक्स पे ही इफेक्ट डालता है, और इसको मैं फुल कर रहा हूँ, बाद में देख लेंगे कि कम है या ज़्यादा है, ठीक है। अभी के लिए हाँ, ठीक है, इतना बहुत है। हार्डवेयर रेंडिंग में अलो वेट भी टेक्सचर, अच्छा नहीं, ठीक है। तो जी, ये जो हमारा पैड है इसमें रहेगा हमारा जो भी हमें बटन्स वगैरह डालने हैं, जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ टेकन ही चला के दिखाऊंगा, तो उसमें ज़्यादा बटन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो हमारा डी पैड हो गया, और सिलेक्ट और स्टार्ट। सो अब मैंने बटन सेट कर दिए हैं अपने हिसाब से, देखिए हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे वही बायोस वाली फाइल मांगे गए, तो बायोस की फाइल मैं पिछले वाले में से ब्राउज़ कर लेता हूँ, जहाँ पे भी मैंने पिछले वाला करा था। वैसे पिछले वाले में मैंने बता दिया था कि बायोस आपको कैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बायोस आ गए हैं मेरे, और मैं कर लूँगा USA 2.30 वाला लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है।
ठीक है फिनिश। अब इसके बाद ऐसे खुल जाएगा यहाँ पे। अब इसको कॉन्फ़िगरेशन आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें था एमुलेटर सेटिंग में जाके, जो स्पीडअप वाला मैंने जो बताया था वो फ्रेम लिमिटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ये फिट टू स्क्रीन और कस्टम रेजोल्यूशन, अगर आपको विंडो व्यू में जो चाहिए होगा वो ये होगा, ठीक है। और स्पीड हैक्स के लिए आप यहाँ से, आपको ये पहले हटाना पड़ेगा यहाँ से प्रीसेट जो लगा रखा है, उसके बाद आप ये अप एंड डाउन कर सकते हैं। वैसे मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि प्रीसेट में ही आपको मिल जाता है, जैसे कि आपको सेफ मोड में चलाना है कि कम क्रैश हो, फिर आपका सेफ नो हैक्स बिल्कुल कुछ भी नहीं यूज़ होगा उसमें, फिर आपका बैलेंस रहेगा, बैलेंस में थोड़ा स्पीड और उसके बीच में बैलेंसिंग रहेगी परफॉर्मेंस के, सॉरी ग्राफिक्स और स्पीड के बीच में, और एग्रेसिव में बिल्कुल ज़्यादा, पर इसमें क्रैश होने के ज़्यादा चांस, जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके क्रैश होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मली सेफ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बूट फास्ट, और मेरे को वही गेम ब्राउज करनी पड़ेगी जहाँ पे भी मैंने रखी हुई है। टेकन 5 ओपन, इसके बाद इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐसे खुल, जैसा आपने देखा उसके कंपैरिजन में इसमें कम सेटिंग्स करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ऐसे ही है, मोस्टली सारी गेम्स चल जाती हैं इसमें भी, और बस उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेटिंग्स और वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहता है 64 बिट वाला कंपेयर टू दिस, सो इसलिए मैं वो प्रेफर करता हूँ। बाकी अगर आपको सिंपल इंस्टॉलेशन फॉलो करना है तो 32 बिट वाला ज़्यादा सही है एज़ कंपेरिजन, ठीक है। तो बस आपको जो भी फाइल ब्राउज करनी है वो आप iOS सेलेक्टर से, ठीक है, यहाँ पे ब्राउज करेंगे और ऐड करते जाएंगे। उसके बाद यहीं से आपको बस ISO सिलेक्टर में वो गेम सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैंने टेकन 5 अभी वहाँ से ब्राउज करके डाली थी इसमें, ठीक है। उसके बाद बस सिस्टम पे जाके आपको सिर्फ सिंपल आपको बूट फास्ट करना है, ठीक है। तो बूट फास्ट करोगे तो अपने आप ही चल जाएगी। सो थैंक यू गाइस, अगर कोई इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके गाइस।